बिल्कुल गरिमा जी, और हरियाणा के बारे में तो मैं उत्तर प्रदेश से जो देख पा रहा हूँ वो थोड़ा बहुत बातचीत करके ही आपको बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश से कनेक्ट कर रहा है एक इशू ब्रजभूषण सरन सिंह वाला, उसका बीजेपी को नुकसान हरियाणा में हो सकता है, और चूंकि सारी सीटें उनके पास थीं वहाँ पर, तो मुझे ये लगता है बात करके या हरियाणा में जो लोग हैं उनसे या अखबार देख के कि बीजेपी को इस बार थोड़ा बहुत नुकसान वहाँ ज़रूर होने जा रहा है। और ये भी एक मुद्दा है जो मैं उत्तर प्रदेश से देख पा रहा हूँ कि किस जो खिलाड़ियों वाला इशू था, इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर भी जिस तरह की बातें हुई, इसके पहले जो आपने देखा लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसान मूवमेंट के दौरान वहाँ पर जो घटना हुई, उन सब का असर इस चुनाव में हरियाणा में मुझे देखने को मिल सकता है, ऐसा मैं यहाँ उत्तर प्रदेश से बैठ के देख सकता हूँ। अब राजकुमार जी, मैं आती हूँ पूर्वांचल पर, जिसके लिए जो आखिरी चरण है वो भी और जो सेकंड लास्ट फेज था उसमें भी जोर आजमाइश मुकम्मल हुई। अब बची है इस पूर्वांचल की 13 सीटें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि पूर्वांचल बड़ा गहरा प्रहार करता है। इंडी गठबंधन के छक्के छुड़ा दिए, छठे चरण में, सातवें चरण में इंडी वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा, लेकिन 14 और 19 आते आते 14 से पूर्वांचल में खामियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान हुआ। ये अभी 24 कैसा दिखता है पूर्वांचल की तस्वीर? गरिमा जी, पूर्वांचल में अभी जिन सेवेंथ फेज में जहां चुनाव होना है 13 सीटों पर, उनके बारे में एक चीज तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है कि बनारस और गोरखपुर दो सीटों को छोड़कर हर सीट पर लड़ाई दिख रही है। एक और बात है कि लड़ाई होते हुए दिखना, इंडिया गठबंधन को लड़ते हुए देखना या समाजवादी पार्टी खास तौर से सब सीटों पर लड़ रही है और जीतना, ये थोड़ा सा कि फिनिश करना चुनाव के बहुत अच्छे से, इसको रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लड़ते हुए पीछे भी जाएं तो 2022 में ही बहुत अच्छी दिख रही थी, फिर 2019 में तो ऐतिहासिक था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आ गए थे, 2000 के बाद से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी। हम सब लोग को ऐसा लग रहा था कि 40-40 सीटों में बट जाएगा ये प्रदेश, लेकिन बीजेपी ने 64 सीटें हासिल की एनडीए ने, और 15 सीट पर ये गठबंधन रहा, 1 सीट कांग्रेस की रही। तो इस चुनाव में जो मैं कुछ नई चीज़ें देख पा रहा हूँ जिनका असर चुनाव पर पड़ सकता है, वो तो अखिलेश यादव ने जो एक पीडीए एक फार्मूला दिया और जो टिकट बांटे हैं, उन टिकट्स को आप देखें तो यादव कैंडिडेट सिर्फ 5 दिए जो उनके परिवार के थे, बाकी बड़ी संख्या में उन्होंने कुर्मी कैंडिडेट्स उतारे, जिसका असर देखने को मिला बीजेपी से बड़े दिनों बाद यहां पर कुर्मी वोटर्स कुछ कटते हुए दिखाई पड़े। चल, हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। इसी तरह दलित वोट बैंक में भी सेंध लगी है, खास तौर से जो राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म किया जाएगा, वो मैसेज भी गया है। पहले मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, इन दो चीजों का असर दिख रहा है और हर सीट पर ये मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सीटें बढ़ेंगी इंडिया गठबंधन की? तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि वोट प्रतिशत तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन सीटें बढ़ती हैं ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ सीटें जो पिछले बार 2019 में बीएसपी के पास थी वहां इस वक्त बीजेपी को मिलती दिख रही, जैसे कि जौनपुर की बात करें वहां बीएसपी के सांसद थे, इसी तरह अंबेडकर नगर की बात करें तो बीएसपी के सांसद थे, तो वहां बीजेपी अच्छा लड़ रही है। घोसी में बीएसपी के सांसद थे, वहां पर राजभर के बेटे और राजीव राय के बीच बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, और कुछ सीटें जो कि बहुत क्लोज फाइट से बीजेपी ने जीती थी, जैसे कि एक सीट है मछली शहर, 132 सीट से बीजेपी ने वोटों से जीती, बहुत दिलचस्प मुकाबला है। सारे सोच जी, इसी तरह हम बलिया की बात करें, सिर्फ 14,000 वोट से वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे पिछले बार वीरेंद्र मस्त जी, महेंद्रनाथ पांडे जी चंदौली से बहुत कम वोट से जीते थे। तो इस बार कुछ सीटों में फेरबदल होगा, कुछ सीटें जो 2019 में बीएसपी एसपी गठबंधन के पास थी वो बीजेपी के पास जा सकती हैं, कुछ सीटें बीजेपी की इंडिया गठबंधन को जा सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत नुकसान बीजेपी को अभी एक देखने को ऐसे नहीं लग रहा है कि एकदम सीट 40-40 हो जाएगी। अच्छा, ये जो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर राजकुमार जी, 64 सीटें आई थी एकदम अंत में, राजा भैया खड़े हो गए इधर और ऐलान कर दिया समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का, प्रतापगढ़, इलाहाबाद,
ये दो तीन सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका प्रभाव माना जाता है, माना जाता है, हालांकि आंकड़ों में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो क्या इस समर्थन का कोई असर इंडिया गठबंधन को दिखेगा? देखिए, एक सीट पर दिख सकता है, वो सीट है कौशाम्बी। अच्छा। कौशाम्बी सीट पर, क्योंकि पिछले बार भी इन लोगों को ठीक वोट मिला था, तो कौशाम्बी सीट पर राजा भैया का असर देखने को मिल सकता है, और बहुत वहां पर टफ मुकाबला है, और अभी जो लग रहा है इंडिया गठबंधन को वहां बढ़त ही दिखाई पड़ रही कौशाम्बी सीट पर। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत किसी और जगह पर कुछ खासा नुकसान बीजेपी को हो रहा होगा। यहाँ तक कि प्रतापगढ़ सीट पर भी ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को वहां पर होने जा रहा है। तो कोई टैली है राजकुमार जी, तो आपकी नजर में मामला है उत्तर प्रदेश में? कोई टैली, एक मोटा मोटी आंकड़ा हमने जी सब हंस रहे हैं क्योंकि अब 1 जून तो बेहद, 1 जून के बाद 4 जून बहुत नजदीक है, लेकिन हम 72 के आंकड़े से 62 पर आते देखा ना बीजेपी को 2019 में, तो ये टैली कुछ बढ़ती है घटती है? 72 से मुझे लग रहा कमोबेश उसी की तरफ रहना चाहिए। 60 के लगभग मैं अभी देख पा रहा हूं कि अभी जो है 2-4 सीट का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। 60 के लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि इनको रहना चाहिए। 2019 में से 80 का टारगेट है। संजय जी, गरिमा जी है, नहीं कहिए कहिए, पूरा कर लीजिए राजकुमार। गरिमा जी, मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ थी, उसके बाद लगता था कि जैसे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, तो मैं वही चीज देखता हूं कि लड़ते हुए तो समाजवादी पार्टी 22 में भी दिखी, 2019 में भी दिखी, 2017 में भी दिखी, 2014 में भी दिखी, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो आप चाहे विधानसभा देखें चाहे लोकसभा देखें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो एक ओबीसी वर्ग को अपनी तरफ करके रखा हुआ, नॉन यादव ओबीसी को, वो उनके साथ कितना इंटैक्ट है इस चुनाव में, ये बड़ा निर्भर करता है। हालांकि मैं देख पा रहा हूं कि कुछ वोट उसमें से कम हुए हैं, खासतौर से कुर्मी वोट बैंक की बात करें तो जहां राजकुमार जी, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि 224 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 50% के वोट शेयर से ज्यादा जीती। तो जिस वोट शेयर का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वोट शेयर कम भी होता है तो इट डजंट मीन कि वो सीटों में कन्वर्ट होगा। हो सकता है जो सीट 4 लाख से जीती वो 2 लाख से जीते, इससे ज्यादा डाउनफॉल। संजय, अब मैं आपके पास आ रही हूं, अमित शाह का बड़ा बयान है कि 5वां फेज पूरा होते होते हम 310 सीटें जीत गए हैं, और आपका काम ही यही है कितनी सीटें कहां घटेंगी, कितनी सीटें कहां बढ़ेंगी। क्या आपका सर्वे?